हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नया मेकअप लुक लेके आई हूँ। आप लोग देख के बताओ कैसा है। तो सबसे पहले अपने क्लीन फेस पे मैंने गुड वाइब्स का ये टोनर स्प्रे किया है। टोनर से आपकी जो स्किन है हाइड्रेट हो जाती है। मैंने इसको अच्छे से पैक कर लिया है। इसके बाद मैंने हिमालय का बेबी क्रीम एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। ये बहुत ही अच्छी क्रीम है और मुझे बहुत सूट करती है। इसके बाद मैंने सनस्क्रीन यूज़ किया है लोटस का, तो ये भी काफ़ी अच्छी सनस्क्रीन है। इसका रिव्यू मैंने दिया हुआ है। इसके बाद मैंने बेस के लिए लैक्मी 925 सीसी क्रीम लिया है और इसको मैं डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। अपने डार्क सर्कल पे, अपने फोरहेड पे, सब जगह अप्लाई करना है मुझे। इसके बाद मैंने इसको वेट ब्लेंडर से अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है। आपको याद रखना है कि हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करके ही यूज़ करना है। इससे आप देख सकते हो कि इवन ये बहुत अच्छे से स्प्रेड हो रहा है। बहुत सीसी क्रीम को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब आपको कंसील करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने मेबलिन फिटमी का कंसीलर लिया है। ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है, एवरीडे यूज़ के लिए बहुत ही लाइट वेटेड है। इसको अपने ज़रूरत की जगह पर अप्लाई कीजिए, जैसे मैंने अपने आई लिड, अपने डार्क सर्कल एरिया या उस एरिया पर जहाँ पर मुझे ब्लैक से हल्के हल्के दिख रहे हैं वहाँ पर मैंने अप्लाई किया है। इसको अपने हाईलाइट पॉइंट पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने अपने नोज़ पर, अपने आईब्रो को शेप देने के लिए सब जगह अप्लाई किया है। तो आप ऐसे ही अप्लाई करके इसको अच्छे से ब्लेंड कीजिए। बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है। मैं तो अपने उसी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी जिस ब्लेंडर से मैंने अपना जो सीसी क्रीम है जिसको ब्लेंड किया था, उसी ब्लेंडर से इसको अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी। जब कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो जाए तो इसको सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट की बहुत ज़रूरत है, खासकर ऑयली स्किन वालों के लिए। तो मैंने यहाँ लैक्मे का लूज़ पाउडर लिया है और इसे अच्छे से थोड़ा सा ज़्यादा करके मैंने लगाया है अपने फेस पे, क्योंकि मुझे डे टाइम मेकअप में जाना है तो मेरा मेकअप अच्छे से सेट होना चाहिए। इसके बाद मैंने आईब्रो डिफाइन करने के लिए मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल लिया है। ये भी काफ़ी अच्छा है और इसको आप अच्छे से अपने आईब्रो को शेप कर सकते हो। इसके बाद मैं HR का ये वाला आई शेडो पैलेट लूँगी और ये जो लाइट पीच कलर है इसको अपने आँखों पे पैक करूँगी एक फ्लैट ब्रश के सहायता से। अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी। इसके बाद जो डार्क कलर है, डार्क पिंक कलर, वो लूँगी क्योंकि मेरी ड्रेस की कलर डार्क पिंक है। पता नहीं फ़ोटो में क्यों, इस कैमरे में क्यों अभी रेड सा दिखा रहा है। तो इसको अच्छे से अपने आँखों पर पैक करूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। इसके बाद मैंने लिया है डार्क येलो कलर जो शिमरी टाइप की है, उसको अच्छे से लेना है। अपने फिंगर से मैंने लिया है और इसको भी अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और इसको आप देख सकते हो कि जब ये कलर सारे एक दूसरे में डिपॉजिट हो रहे हैं तो कितने अच्छे शो ऑफ दे रहे हैं, बहुत अच्छा दिख रहा है। इसके बाद मैंने बॉन्जोर पेरिस का ये कलर्ड पेंसिल लिया है, या लिप या आई पेंसिल कुछ भी बोल सकते हो। इसको मैंने एज अ आई लाइनर जैसा यूज़ किया है। बहुत ही हल्के हाथ से करना है क्योंकि ये कलर भी बहुत हल्का है, तो दो तीन स्ट्रोक अच्छे से देना पड़ रहा है। आप देख सकते हो अभी आंखें कैसी अट्रैक्टिव दिख रही है। इसके बाद मैं अपनी लोअर लैश लाइन के नीचे डार्क जो पिंक कलर है उसको लगा रही हूँ और फिर जो बॉन्जोर पेरिस का पेंसिल था उसे एज अ काजल यूज़ कर रही हूँ अपने लोअर लैश लाइन पे। और आप देख सकते हैं आंखें कितनी खूबसूरत अभी दिख रही है। इसके बाद मैंने मेबलिन का ये हाइपर कर्ल मस्कारा लिया है और इसे अपने आईलैश को कर्ल कर रही हूँ, मस्कारा लगा रही हूँ सॉरी। और अच्छे से मस्कारा लगाने के बाद मैंने दो तीन कोट लगाया है। इसके बाद मैंने लोअर लैश लाइन पे भी लगा लिया है। इसके बाद सेम पैलेट से मैंने हाइलाइटर शेड लिया है, ये भी वही येलो कलर है जिससे मैंने अपने आँखों पर आई शेडो की तरह अप्लाई किया था। तो सेम हाइलाइटर कलर से आपको जो इनर कॉर्नर है उसको हाईलाइट करना है। प्लस मैंने अपनी नोज़ को हाईलाइट की है, अपने आईब्रो बोन को हाईलाइट किया है और अच्छे से आपका कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। और मैंने हाइलाइटर की जगह भी यूज़ किया। इसके बाद मैंने लाइट पिंक कलर लेकर मैंने अपने चीक्स पे ब्लश लगाए हैं जो काफ़ी सटल लुक दे रहा है। काफ़ी हल्का ब्लश मैंने लगाया है, मैं मोस्टली ब्लश नहीं लगाती हूँ, ज़्यादा पसंद नहीं आती है मुझे ब्लश लगाना, बट ठीक है। इसके बाद मैंने मैट लुक का ये कलर लिया है, इसका 20 सिली कलर शेड है और ये सॉटिन मैट लिपस्टिक है। ये काफ़ी अच्छा इसका एप्लीकेटर है, इसमें आउटलाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है बाहर किसी पेंसिल से या आउटलाइनर से। इसका जो एप्लीकेटर है इसी से आउटलाइन अच्छे से हो जाता है और मैंने इसको अच्छे से अपने लिप्स पे अप्लाई कर लिया है और ये मेरा रहा फाइनल लुक।
कैसा लग रहा है बताइए मुझे। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट देकर मुझे खुश कर दीजिए एंड इसको बहुत सारा लाइक दीजिए, और ऐसे ही अपना प्यार अपना दुलार मेरे साथ बनाए रखिए। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।